नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने कपड़ा व परिधान क्षेत्र की इकाई का किया लोकार्पण। यह इकाई महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2 कारखाने अकेले 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। सीएम ने कहा, यह बदलते दौर का उच्चयन है। रीवा में बस में सफर करते बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। विधायक ने सरकार को वापस लौटा दी सभी सुविधाएं। बिना सुरक्षा की बस में किया सफर, अक्सर सुर्खियों में रहे हैं विधायक प्रदीप पटेल। छतरपुर में तहसील में शराब पीते हुए बाबू का वीडियो वायरल। तहसील में पदस्थ बड़े बाबू बैक ऑफ पी रहे शराब। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटा जिला प्रशासन। अधिकारी बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। इंदौर में विजयदशमी के बाद दशहरा मिलन समारोह का आयोजन। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के घर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देकर सभी का मुंह मीठा किया। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे 4 बड़ी खबरें। पहली खबर आपको बता दें, उज्जैन से आ रही है, जहां पर सीएम ने कपड़ा व परिधान क्षेत्र की इकाई का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि यह इकाई महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2 कारखाने अकेले 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। सीएम ने कहा है कि यह बदलते दौर का उज्जैन है। आपको बता दें, दूसरी खबर है रीवा से, जहां पर रीवा में बस में सफर करते बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक ने सरकार को वापस लौटा दी है सभी सुविधाएं। बिना सुरक्षा के बस में किया सफर, अक्सर सुर्खियों में रहे हैं विधायक प्रदीप पटेल। वही तीसरी खबर है छतरपुर से, जहां पर तहसील में शराब पीते हुए बाबू का वीडियो वायरल हुआ है। तहसील में पदस्थ बड़े बाबू बैकऑफ शराब पी रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटा जिला प्रशासन। अधिकारी बोले हैं, जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, चौथी और आखिरी खबर जो है वह आ रही है इंदौर से। आपको बता दें कि इंदौर में विजयदशमी के बाद दशहरा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के घर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देकर सभी का मुंह मीठा किया गया। आपको बता दें, पहली खबर उज्जैन से, जहां पर रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए खुजेमा, आपसे पूछना चाहूंगी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो है कपड़ा व परिधान क्षेत्र में लोक इकाई में लोकार्पण किया है, इससे कितना क्या फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उज्जैन के डॉक्टर मोहन यादव जी जब से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले हैं, तो उज्जैन को लगातार बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कि आपको मालूम है कि थोड़े दिन पहले 6 लेन की सौगात उज्जैन को, बड़ी उज्जैन को मध्य प्रदेश में पहली बार 6 लेन की सौगात उज्जैन से इंदौर के मार्ग को मिली, और आज मुख्यमंत्री जी का उज्जैन आगमन हुआ था। हेलीपैड पर उनका जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वह कार्यक्रम में शामिल हुए। और जो कार्यक्रम में जो भूमि पूजन कहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े ही रोजगार को फायदा मिलेगा, क्योंकि आज के दिन में रोजगार की कड़ी कमी है। तो रोजगार को देखते हुए सरकार रोजगार को देने के लिए काम कर रही है। जिस तरह से ये लोकार्पण किया गया, तो इसे लेकर के किस तरह से जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा और कब तक जो है रोजगार दिलाए जाने की बात कही जा रही है सीएम के द्वारा? देखिए, 2025 तक की बात है, पूरी जो राशि है 2025 तक उसको स्वीकृत किया जाएगा पूरी राशि को, और कम से कम 5,000 ज्यादा अधिक लोगों को रोजगार रोज मिलने की बात की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है कहीं उन्होंने वहाँ सिलाई मशीन का जो लाई जो मकर महिला कर रही थी, वहाँ पर भ्रमण करा उन्होंने और महिलाओं के साथ चर्चा करी। कई महिलाओं के साथ उन्होंने चर्चा करी है, कई महिलाओं ने कई बात भी बताई है उनको, जिस पर भी मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया उस पर काम करने को लेकर लगातार। मतलब मुख्यमंत्री का यह मानना है कि महिलाओं को लेकर हम जागरूक है, सरकार की तरफ महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो दूसरी ओर विकास की ओर भी जो
उज्जैन में आने वाला सिंह जिसको लेकर में तैयारियां शुरू कर दी है, चारों तरफ पोलैंड की बात की जा रही है। जी कुजेमा, यह जो इकाई महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत ही अच्छी पहल है, एक महान मंच से बहुत ही महिलाओं का उन्होंने स्वागत करा। जब मंच पे वो कार्यक्रम भूमि पूजन के कार्यक्रम में बना रहे थे, जहाँ पर 700 करोड़ से ज्यादा भूमि पूजन के कार्यक्रम में उज्जैन के लिए उन्होंने दिए है, जिसमें कई प्रकार कई रोडों का फोरलेन थे, अब टू लेन के रूप में थे, अब फोरलेन के रूप में हो जाएंगे। उसके भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री ने किया है। इसी कार्यक्रम में कई बड़ी संख्या में महिलाएं देखने के लिए भूमि पूजन के लिए पहुंची थी, तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और बड़ी एक सौभाग्य की बात है कि महिलाओं को लिए जो मुख्यमंत्री की पहल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं सभी महिलाएं लखपति के रूप में दिखेगी इस मुख्यमंत्री को। जी, और इस लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन के अलावा उनके साथ और कौन मौजूद था इस दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता है सभी उनके साथ उपस्थित थे। उज्जैन के दंड अधिकारी अभी उपस्थित थे, तो उन्होंने पूरी हेलीपैड पे पहुंचते उनका स्वागत किया है और उनके बाद वो कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य रूप से उज्जैन के सांसद अनिल की वजह थी और विधायक अनिल और वही जिस तरह से कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र की एक और जो है इसका लोकार्पण किया गया है, तो इससे कितना क्या फायदा अब देखने को मिलेगा आम लोगों में और इस किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? 18 एकड़ भूमि को प्रदान की गई है जिसमें पूरा बनेगा और 81 करोड़ की राशि इसके लिए स्वीकार की गई है। 2025 तक इसको दिया जाएगा। 200 करोड़ से अधिक व्यवसाय में परिजनों की तैयारी की गई है। लगभग 3500 से अधिक स्थिति व्यक्ति रोजगार अवसर प्रदान होगा। तो ये रोजगार जो मिलने की बात है कि जो 3000 से अधिक लोगों को जो रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि उज्जैन के लिए बड़ी सौगात की बात होगी कि जो लगातार मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश के बने हैं तो लगातार उज्जैन को सौगात मिली जा रही है। तो ये उज्जैन के लिए बड़े गौर की बात है, बड़ी खुशी की बात है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर छतरपुर की ओर, जहां पर छतरपुर जिले की राजनगर तहसील में पदस्थ एक बाबू का शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बाबू जिस जगह पदस्थ है उसी जगह बैठकर शराब पीते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद राजनगर SDM बलवीर रमन ने में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विकास, छतरपुर तहसील में जो है शराब पीते हुए बाबू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, पहले तो बताइए क्या कुछ वायरल वीडियो की क्या हकीकत बताई जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जी कि ये राजनगर तहसील का मामला है। तहसील परिसर में एक बाबू है राजेंद्र भार्गव करके, और 2007 से लगातार तहसील राजनगर में ही पदस्थ है। वो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, लगातार जो है एक नहीं लगातार 3-4 वीडियो वायरल हुए हैं कि दफ्तर के अंदर शराब पीते हुए या ड्रिंक करते हुए ग्लास भी लिए हुए हैं और रखा भी है, फाइलें भी नजर आ रही हैं। ये जो है लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि कई सालों से लगातार अनवरत जो है वो ये चीज वहां पर कर रहे हैं, लेकिन किसी ने चोरी छुपे एक वीडियो बना लिया गया उनका और वो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तो उसके लगातार वायरल होने के कारण अधिकारियों ने हमारी हम लोगों ने संज्ञान में लिया, अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया। जो SDM बलवीर रमन है जी राजनगर के, उनके द्वारा कहा गया कि इसकी जांच करवाई जाएगी, इस वीडियो में जो भी साक्ष्य समझ में आएंगे या निकल कर आएंगे उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और जो डिप्टी कलेक्टर छतरपुर है मिलिंद नांगदेवे, उनका भी यही कहना है कि ये जो मामला है ये बेहद गंभीर है और
इसकी जांच करवाएगी और अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी कृतिका जी, जिस तरह से अभी आपने बताया है कि 2-3 वीडियो वायरल हुए हैं, जिस तरह से अभी की देखा जा रहा है कि चोरी छुपकर उनका वीडियो बनाया गया है, तो पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई कर ली है कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उसकी पुष्टि हो पाई है? मैं आपको एक बार सर अवगत कराना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये विभाग का मामला है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है, पुलिस का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। ऑफिस में अगर कोई ड्रिंक करता है तो सबसे पहले उनको नोटिस जारी किया जाएगा, जो कि जो एसडीएम है राजनगर बलवीर रमन, उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है अनुशासनहीनता का। 2 दिन छुट्टी होने के कारण जो है किसी भी तरह का स्टेटमेंट उनके द्वारा उनसे नहीं लिया गया है या उनके द्वारा नहीं दिया गया है। अब जैसे ही मंडे को यानी कल ऑफिस खुलता है, उस बीच उनको उनके बयान लिए जाएंगे, उनका स्टेटमेंट रिटर्न में लिया जाएगा, उनका क्या कहना है। तो विकास, जिस तरह से इनका वीडियो वायरल हुआ है, तो क्या पहले भी इस तरीके के वीडियो वायरल हो चुके हैं इधर, जिस तरह से वीडियो वायरल? जी बिल्कुल नहीं, उनका अभी जो है उनका अभी तक किसी भी तरह का कोई भी वीडियो या ऑडियो ऐसा वायरल नहीं हुआ है। लगातार उनकी शिकायतें जरूर मिल रही थी कि इनके द्वारा ड्रिंक की जाती है तहसील परिसर में, और कई लोगों ने बताया, लेकिन बिना प्रूफ के कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो भी स्थिति हुई हो, धोखे से या चोरी छुपे नेस्टिंग वीडियो जारी किया गया सोशल मीडिया में, किसी व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया, उससे जो है स्टेटमेंट लिया गया अधिकारियों का, उनका यही कहना था कि निश्चित तौर पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मेरी इसके बाद दूरभाष पे उनसे एसडीएम बलवीर रमन जी से भी बात हुई, उनसे पूछा गया कि भाई वीडियो वायरल हुआ था, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, क्या जांच करवाई गई है और आगे जो है क्या कार्रवाई की जाएगी। तो बलवीर रमन जो एसडीएम राजनगर है, उनका कहना यही था कि जो ये वीडियो वायरल हुआ है उसका हमारे द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, उनको अनुशासनहीनता के लिए उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उनके बयान जारी किए जाएंगे, बयान लिए जाएंगे, और जो भी सच या सच्चाई सामने आएगी निकल कर आती है तो उसमें दोषी पाए जाने पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी रितकर जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर जिले की राजनगर तहसील में पदस्थ एक बाबू का शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बाबू जिस जगह पदस्थ है उसी जगह बैठकर शराब पीते हुए दिखाई दे रहा है। तीसरी खबर रीवा से, जहां पर मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का एडिशनल एसपी के सामने दंडवत होने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब उनके बिना सुरक्षा गार्ड के बस में सवार होकर आम यात्रियों की तरह जाने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर वो सुर्खियों में है। आपको बता दें कि उन्होंने सरकार को अपने सुरक्षा गार्ड वापस करते हुए, सरकार द्वारा मिली सुविधाओं को लौटाते हुए रात में आम यात्रियों की तरह बस में सवार होकर रीवा से मऊगंज गए हैं, जिसका वीडियो अभी सामने आया है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रीवा से रहीम जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। रहीम, बस में सफर करते हुए बीजेपी विधायक का अभी वीडियो वायरल हो रहा है, अभी ताजा मामला भी दंडवत करते हुए भी नजर आए थे जो कि उनका वीडियो वायरल हुआ था, तो अभी इस वायरल वीडियो को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आपको बताना चाहूंगा कि मऊगंज विधायक ने नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में उनका एक नशा कारोबारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी के सामने लेट कर दंडवत हो गए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उन्होंने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने नशे के कारोबारियों के साथ साठ गांठ का आरोप लगाया था और अपनी जान को खतरा भी बताया था। जी, तो वीडियो की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि एक उनका नया वीडियो भी अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रहीम, तो विधायक ने अपनी सरकार को सारी सुविधाएं लौटा दी है, तो इसके पीछे का क्या कुछ कारण बताया जा रहा है उनके द्वारा? उसी चीज को लेके वो नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि नशा कारोबारियों के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, उसको लेके घमासान मचा हुआ है। और अभी ये रीवा से कल रात को निकले थे बस में बिना सुरक्षा कर्मियों के। जी,
तो इन सभी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं विधायक के, तो इसे लेकर क्या कोई सियासी खबर सामने आ रही है, क्या कोई प्रतिक्रिया रही? अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है जी। जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो दो वीडियो वायरल हुए हैं विधायक के लगातार, अभी वो चर्चा का विषय भी खत्म ही नहीं हुआ था, अब एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा है, तो इस वीडियो वायरल को लेकर के विधायक ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्या कुछ कहना है उनका? अभी उनसे कोई इस संबंध में बात तो हुई नहीं है जी। जी तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी रीवा से, जहां पर रीवा में आपको बता दें कि मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का एडिशनल एसपी के सामने दंडवत होने का मामला भी थमा नहीं था कि अब उनके बिना सुरक्षा गार्ड के बस में सवार होकर आम यात्रियों की तरह जाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर वो सुर्खियों में है। उन्होंने सरकार को अपनी सुरक्षा गार्ड वापस करते हुए, सरकार द्वारा मिली सुविधाओं को लौटाते हुए रात में आम यात्रियों की तरह बस में सवार होकर रीवा से मऊगंज गए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। चौथी और आखिरी खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में विजयदशमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। रावण दहन के बाद कई जगह दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रावण दहन के बाद लोग घर घर जाकर दशहरा मिलन करते हैं। यह उत्सव सामाजिक समरसता और प्रेम भाव को बढ़ावा देने का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के घर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। मंत्री तुलसी सिलावट ने भी बड़ी आत्मीयता के साथ उन्हें गले लगाकर और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। दरअसल मंत्री तुलसीराम सिलावट अपनी आत्मीयता और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जब भी मौका मिलता है उनके समर्थक और क्षेत्र के लोग तुलसीराम सिलावट से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां तुलसीराम सिलावट द्वारा सभी का आदर पूर्वक सम्मान किया जाता है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए इस भारत के साथ।